बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। जी तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लाई हूँ। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश। ये फ़िश है, ये जो है कोई नई किस्म की फ़िश है, बड़ी मज़े की होती है। और ये है टमाटर का पेस्ट, ये मैंने बना लिया था टमाटर का पेस्ट। और बाकी जो हैं हरे मिर्चे और हम लाल प्याज, इससे जो है हम अपनी फ़िश का सालन तैयार करेंगे। तो ये मैंने तेल में जो है कड़ी पत्ते डाले हैं, जीरा, थोड़ा सा जो है नमक, इसको जो है हम हल्का सा लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। तो ये मैंने लहसुन अदरक ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर जो है लाल मिर्ची, और ये जो है प्याज का पेस्ट मैंने बनाया था वो ऐड करेंगे। प्याज को जो है मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें जो है हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही इजी वे है इस पकाना इसको, क्योंकि बाज़ अवकात प्याज नहीं गलती, तो मैं जो हूँ प्याज लाल करके अलग निकाल के जो है इसका पेस्ट बना लेती, तो इससे जो है हमें टेंशन नहीं होती और जल्दी से हमारा जो सालन है भुन जाता है। जब मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड करी है, और धनिया पाउडर पिसा हुआ थोड़ा सा, 2 चम्मच जितना मैंने जो है ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें जो है सॉल्ट ऐड करूँगी, हसबे जायका जितना आपको इस्तेमाल करना हो। और हम जो है इसे अच्छे से भून लेंगे। जी तो भुनने के बाद जो है ये देखिए ये अच्छे से भुन गया है। और एक तरफ जो है मैं सूप की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखी है, ये कॉर्न्स रखे हैं बॉईल करने के लिए, और ये एग्स, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि आज सूप पीना है, तो सूप भी साथ साथ बना रही हूँ। और एक तरफ जो है फ़िश का मसाला भुन रही हूँ। तो अब जो है मैं सूप के लिए जो है धनिया पुदीना काट रही हूँ साफ करके। जो ये जो धनिया पुदीना है ये बच्चे बड़े जो शौक़ से सूप में ऐड करते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है सूप धनिया पुदीने के साथ। और अब जो है मेरे सालन का जो मसाला है वो भी भुन चुका है, तकरीबन भुन गया है। आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा सूप पीना है, और गेस्ट भी आए हुए हैं घर में, तो वो बच्चे भी कह रहे थे कि हमें सूप पीना है। तो चलिए हम जो है इसमें अब जो है हम ये देखें, ये चिकन जो है गल गई है। अब जो है मैं चिकन को अलग से निकाल लूँगी और इसी पानी में जो है अपने सूप को रेडी करूँगी। ये चिकन जो है निकालने के बाद, ठंडी होने के बाद रेशा करके जो है मैं इसे दोबारा इस पानी में ऐड कर दूँगी। तो ये चिकन जो है मैंने निकाल लिए। अब तकरीबन ये मसाला भुन गया है, इसमें मैंने फ़िश भी ऐड कर दी है। अब बस अब जो है हम इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट जो है हम फ़िश को पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये फ़िश जो है फ़ौरन से गल जाती है। तो ये जो है हमने बस थोड़ी देर पकानी है, 3 से 4 मिनट, तो हमारा जो है फ़िश का सालन रेडी हो जाएगा। तो जी जनाब देखिए हमारा फ़िश का सालन रेडी है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो चलिए जो है हम इसे अब इस पर धनिया पुदीना ऐड करते हैं और इसकी फ्लेम को जो है हम बंद कर देते हैं। अब जो है मैं राइस की तैयारी कर रही हूँ प्लेन चावल बनाने की। और देखिए जनाब हमारा जो है खाना तैयार है, मैंने टेबल पर लगा दिया है
और सबको बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो अब जो है सब डिनर करेंगे और ये देख सकते हैं आप, मेरा सूप भी रेडी है, चावल भी रेडी हैं और फिश का सालन भी। ये देखें ये बच्चे जो हैं आ गए हैं टेबल पे, जैसे ही मैंने सूप की आवाज़ दी फ़ौरन से बच्चे सारे आ गए और सूप को देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी जनाब। तो ये है कि मैंने आपके साथ डिनर की तैयारी का व्लॉग शेयर किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।